के सबसे पिछड़े पन्ना जिले के बस्तर के रूप में जाने जाने वाले बनवासी कलदा पठार में बनवासी दिव्य श्री राम कथा समाप्त होने के पश्चात पूर्व जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष संजय नगायच जी ने किया श्री राम कथा की सेवा में रात दिन निष्ठा से सैकड़ों कार्यकर्ताओं धर्म प्रेमी बंधुओं जनप्रतिनिधियों के साथ जिला प्रशासन पुलिस पंचायत विभाग वन विभाग पीडब्ल्यूडी विद्युत विभाग का आभार व्यक्त किया। कहा सभी के सार्थक प्रयास से चार दिवसीय श्री राम कथा हुई सफल। यह कथा वनवासी जनजाति समाज के जीवन में सार्थकता प्रदान करेगी, उनको एक दिशा देकर उनकी दशा बदलने में कारगर सिद्ध होगी, ऐसा विश्वास है। ग्राम कलदा में संपन्न हुई चार दिवसीय श्री राम कथा के समाप्ति के पश्चात श्री नगायच जी ने परम पूज्य बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को बारंबार प्रणाम करते हुए उनका आभार व्यक्त किया कि कलदा क्षेत्र में आपने राममय वातावरण बनाते हुए अयोध्या और मथुरा वृंदावन जैसे तीर्थ बना दिए हैं। ये कलदा क्षेत्र के पिछड़े वंचित शोषित वनवासी जनजाति आदिवासी समाज को श्री राम और सनातन से जोड़ने में मील का पत्थर साबित होगी एवं कथा के माध्यम से लोगों में धर्म और आराध्य भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा जागृत हुई है, जिसके कारण यहां पर सक्रिय सनातन धर्म विरोधी देश और समाज तोड़ने वाले संगठन जो लगातार भोले भोले लोगों को प्रलोभन देकर धर्म में परिवर्तन करवा रहे थे, अब उनके मनसूबे पर भी पूरी तरह से असफल रहेंगे। सर्वविदित है कि हमारे बुंदेलखंड पन्ना जिले के अति दुर्गम सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र कलदा पठार में श्री राम कथा का आयोजन परम पूज्य वागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी के मुखारविंद से हुआ है। यह श्री राम कथा वर्षों वर्षों तक याद की जाएगी। वास्तव में इस कथा के माध्यम से जो वनवासी जनजाति समाज को जोड़ने का काम सनातन धर्म और श्री राम से महाराज जी ने किया है वो अद्भुत है, अद्वितीय है, अस्मरणीय है। और इसके लिए हम सभी क्षेत्रवासी परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के आभारी हैं, उनका अभिनंदन है, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम है। इस कथा के सफल आयोजन में हमारे क्षेत्रवासियों ने, धर्म प्रेमी बंधुओं ने जिस प्रकार से बढ़ चढ़ करके सहभागिता निभाई है वह भी सब आभार है, आभार के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं। और जिन कार्यकर्ताओं ने, सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने, हजारों हजार कार्यकर्ताओं ने रात दिन परिश्रम कर करके श्री राम कथा को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है, उनका मैं भी सब आभारी हूँ, अभिनंदन करता हूँ। शासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, फॉरेस्ट, पंचायत विभाग के अधिकारी कर्मचारी, सभी विभागों ने भी जो जैसा सहयोग बन सका उनने भी श्री राम कथा को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है, उनका भी मैं एक जिम्मेवार जनप्रतिनिधि होने के, क्षेत्र के कार्य, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते उनका भी अभिनंदन और आभार करता हूँ। निश्चित रूप से ये कथा वर्षों वर्षों याद की जाएगी। परम पूज्य बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर जी ने जो प्रेरणा दी है श्री राम कथा के माध्यम से जनजाति वनवासी समाज को जोड़ने के साथ में समाज को सुदृढ़ करने के लिए, सनातन धर्म को सुदृढ़ करने के लिए, उससे निश्चित रूप से ये कथा पूरे क्षेत्र भर में प्रेरणादायी बनेगी। और माता सबरी का मंदिर भी जो बन रहा है वो भी अद्भुत अद्वितीय प्रेरणा इस वनवासी समाज को इस क्षेत्र में देता रहेगा, उनके उसके लिए भी मैं उनका आभार और अभिनंदन करता हूँ। हर वर्ष इस प्रकार की कथा आयोजित की जाएगी महाराज जी के द्वारा। निश्चित रूप से महाराज जी ने ये व्यासपीठ से आह्वान किया है कि यहाँ सबरी माता का मंदिर बने और प्रयास करूंगा कि हर साल इस वनवासी क्षेत्र में श्री राम कथा के माध्यम से आप लोगों को राम जी से जोड़ने और सनातन धर्म से जोड़ने का वो प्रयास करते रहेंगे। ये वास्तव में अद्भुत है, अद्वितीय है और बहुत अच्छा महाराज जी का कदम है, इसके लिए भी उनका बारंबार प्रणाम, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनको साधुवाद। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ फास्ट आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं
तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।